इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इको पार्क है इको टूरिज़म पार्क। पूरे इंडिया में इतना बड़ा इको टूरिज़म पार्क आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा 480 एकड़ स्क्वायर फीट में बनाया गया है ये इको पार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इको पार्क का जर्नी और एक्सप्लोर करता हूँ आपको इको टूरिज़म पार्क। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत करता हूँ मैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग में। चलिए आज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इको टूरिज़म पार्क, इको टूरिज़म पार्क कोलकाता। अभी मैं इस वक्त विश्व बंगला गेट के पास खड़ा हूँ और बस आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैं बस पकड़ के जाऊँगा इको टूरिज़म पार्क और एक्सप्लोर करूँगा इको टूरिज़म पार्क। बने रहें हमारे। हेलो फ्रेंड, तो फाइनली हम बस से उतर चुके हैं और पहुंच चुके हैं इको पार्क के पास। चलते हैं इको पार्क का टिकट काउंटर की तरफ। इको पार्क गेट नंबर 2 के पास आए हुए हैं हम, और चलते हैं गेट नंबर 2 के टिकट काउंटर की तरफ और टिकट लेते हैं एंट्री करने का। यहां पे एंट्री करने के लिए 30 रुपीस पर पर्सन चार्ज लिया जाता है इको पार्क का। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इको पार्क के अंदर, और चलते हैं इको पार्क के अंदर और दिखाता हूं यहां के आपको ब्यूटीफुल नज़ारा। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहां पे इको पार्क के। यहां पे इको पार्क के अंदर साइकिल राइडिंग और सीप राइडिंग बहुत कुछ करने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एंट्री करने का चार्ज 30 रुपीस है, बाकी आप अंदर में जो भी राइड करोगे उसका अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहा है देखने में ये इको टूरिज़म पार्क। और आप लोग देख रहे हैं हमें बोट राइड एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ पे बोट राइड करने के लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा, पर पर्सन 100 रुपीस चार्ज पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोट राइड दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो में, आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ रोज़ गार्डन और 7 वंडर की तरफ और एक्सप्लोर करूंगा 7 वंडर को। और मैं अब आप लोगों को लेके चलूँगा 7 वंडर की तरफ, जहाँ पे दुनिया के 7 हिस्ट्रिकल प्लेस बनाया गया है, जैसे ताजमहल, पैरामिड्स, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और भी बहुत सारे चीज़ें बनाई गई है। तो बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक, और आप लोगों को पेरिस के आईफिल टावर को भी दिखाऊंगा जो यहाँ पे बनाया गया है। बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। Thank you.
फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो इवनिंग का टाइम हो गया और मैं सेवन वंडर के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे इवनिंग के टाइम ही घूमने में अच्छा लगता है, आप लोग ब्यूटीफुल व्यू का एंजॉय करें घर बैठे ही, देखिए पूरा सेवन वंडर को। और मैं आप लोगों को लेके चलूँगा फिर इसके आईफिल टावर की तरफ जो गेट नंबर एक के पास बनाया गया है। बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। सेवन वंडर घूमने के बाद अब मैं चलता हूँ पेरिस के आईफिल टावर के तौर और दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत बनाया गया है आईफिल टावर को। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप लोग देख रहे हैं आईफिल टावर को जो कोलकाता के इको टूरिज्म पार्क में बनाया गया है। बने रहे वीडियो के अंत तक। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। कितनी खूबसूरत लग रहा है ये आईफिल टावर। Thank you.